राजधानी दिल्ली में अगले वर्ष होने वाले निगम चुनाव को लेकर अब कुछ ही समय शेष है। ऐसे में अब दिल्ली में नारियल फोड़ कार्यक्रम भी तेज हो गए हैं। जगह जगह जनप्रतिनिधियों द्वारा नारियल फोड़ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड 25 के अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 6 स्थित B2 और B3 के पार्क का सौंदर्यकरण करते हुए स्थानीय भाजपा निगम पार्षद कनिका जैन द्वारा पार्क का नामकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। अब इस पार्क को माधव सदाशिव गोवलकर पार्क के नाम से जाना जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय निगम पार्षद कनिका जैन ने बताया कि इस पार्क का ये नाम इसलिए दिया गया ताकि आज की युवा पीढ़ी को माधव सदाशिव गोवलकर के जीवन के बारे में जान सकें और समाज और देश की अखंडता के लिए इनसे प्रेरणा ले सकें। उन्होंने कहा कि इस पार्क में जो भी युवा और नौजवान सैर करने आएगा वो समाज की एकता के लिए काम करने को प्रेरित होंगे और उनके अंदर देश हित की भावना भी जागृत होगी। 6 B2 B3 के बीच में पार्क है और इसका आज जो नामकरण है हमारे गुरुजी माधव राव गोलवकर जी के नाम पे रखा गया है, जो कि एक बाल्यकाल से ही जिन्होंने 1906 में जिनका जन्म हुआ और RSS विचारधारा के इन्होंने हिंदू समाज की एकता के लिए और राष्ट्र की अखंडता के लिए काम किया और इनके आज नाम पर इस पार्क का नामकरण किया गया, जिससे कि बच्चों को प्रेरणा मिलती रहेगी कि हमें अपने समाज के लिए राष्ट्र के लिए कार्य करना है और राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।